हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आज उसी क्रम में हम जीवों का आधुनिक वर्गीकरण पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दें, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पाठ्यक्रम से संबंधित या वीडियो के PDF वगैरह वहीं से प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीवों का आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे आर एच विकेटर विटेकर, आर एच विटेकर, ठीक है ना। इन्होंने 1969 में, ठीक है, पांच जगत परिकल्पना प्रस्तुत करी, और जीवों को पांच जगत में 1969 में पांच जगत परिकल्पना प्रस्तुत करी और जीवों को पांच जगतों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहला था आपका मोनेरा, सबसे पहला मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमिलिया। ठीक है, इन्होंने ये पांच जगत परिकल्पना प्रस्तुत करी, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये किसने दिया? ये आर एच विटेकर महोदय ने दिया। और इन्होंने इस जगत को जब पांच जगतों में जब वर्गीकरण किया तो उसका आधार क्या माना? उसका इन्होंने वर्गीकरण का जो आधार माना वो आधार क्या क्या था? पहला आधार था कोशिकीय संरचना। क्या था? कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोशिका दो प्रकार की होती है ना, एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक और एक कोशिका होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मींस होता है, प्रो मींस होता है पहला, और कैरियंस मींस होता है न्यूक्लियस, यानी इन कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है, असत्य होता है या आभासी होता है, कुछ भी कह सकते हैं। और प्रायः जीवाणुओं में ये कोशिका पाई जाती है, है? इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है, 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इस प्रकार की कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, कोशिकांग कम होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यानी कोशिका भित्ति से घिरी हुई जो कोशिकांग होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। ठीक, अब हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यू माने होता है वेल डेवलप्ड, कैरियन माने होता है न्यूक्लियस। तो यहां पर क्या होता है, जो केंद्रक होता है पूर्ण विकसित होता है चारों तरफ, सॉरी इसको हम लोग सत्य केंद्र भी कहते हैं, और यहाँ पर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। सेकंड बात करेंगे हम लोग शरीर संरचना, जो वर्गीकरण का आधार था वो था शरीर संरचना, और शरीर संरचना को भी उन्होंने डिवाइड कर रखा था, जैसे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय वो होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, और बहुकोशिकीय वो जो मल्टी सेलर होते हैं, और बहुकोशिकीय को भी इन्होंने क्या किया, इनकी जो शरीर संरचना थी ऊतक या ऊतक तंत्र, दूसरा अंग तंत्र में विभाजित किया। पहले ने क्या किया, शारीरिक संरचना को दो भागों में विभाजित किया, पहला तो एक कोश की संरचना, दूसरा बहुकोश की संरचना, और बहुकोश की संरचनाओं की शारीरिक संरचना को भी निम्न भागों में विभाजित किया, ऊतक से बना शरीर, ऊतक तंत्र से बना शरीर, अंग तंत्र से बना शरीर या अंगों से बना शरीर, ठीक है, इस तरह उन्होंने विभाजित किया। और जो तीसरी संरचना थी, जो तीसरी आधार था, वो तीसरा आधार था आपका जीवों के जीवन की दशा। इन्होंने यहां पर क्या किया, इन्होंने बताया जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं
उन्हें उपभोक्ता बोलते हैं, उपभोक्ता सॉरी उन्हें उत्पादक बोलते हैं यानी प्रोड्यूसर। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें उत्पादक बोलते हैं, जो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। और ऐसे जीव जो डेड और डिके मटेरियल से यानी सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको अपघटनकर्ता कहते हैं, अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता कहते हैं। और जो चौथा था, चौथी इनकी जो आधार था वो था जाति वृत्ति संबंध, जाति वृत्ति है, जाति वृत्ति है संबंध, संबंध ठीक है। ये इनकी वर्गीकरण के आधार थे। आर एस विटेकर महोदय के जो पांच जगत परिकल्पना थी उसके वर्गीकरण के आधार थे कोशिकीय संरचना, शारीरिक संरचना, जीवों का जीवन की दशा और जाति वृत्ति संबंध। तो इस तरीके से कल हम लोग अपने वीडियो में मोलिनार वर्ग को डिस्कस करेंगे। तो अगर ये आपको इस तरह अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। शेयर करने से लाइक और सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और कल हम लोग कल के सेशन में हम लोग मोनेरा वर्ग को डिस्कस करेंगे और ये सारे पेपर, ये सारे क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो TGT हो चाहे वो नीट हो, फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेडिकल जो भी बी फार्मा वगैरह के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोग मोनेरा वर्ग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।